जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, SP सिटी सोनम कुमार, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर ब्रजमोहन शुक्ला ने जनपद वासियों सहित देशवासियों को बधाई व शुभकामना दी, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बुधवार को देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जिसके लिए सभी देशवासियों को बधाई व शुभकामना देता हूँ तथा हम लोग गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि हमारे देश को और अखंड, मजबूत और संविधान के ढांचे को और सुदृढ़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि अपने जनपद को मतदान प्रतिशत में अग्रणी बनाते हुए विधानसभा चुनाव में मतदान करें और संविधान के ढांचे को मजबूत बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, SP सिटी सोनम कुमार, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव तथा तहसीलदार सदर ब्रजमोहन शुक्ला ने कहा। कल सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस पर समस्त जनपद वासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामना, और कल हम लोग भी तहसीलों पर, जिला मुख्यालयों पर और हर जगह पर, प्राथमिक विद्यालयों पर गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास और बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, और इस पर संपूर्ण जनपद वासियों को, संपूर्ण देश को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दास गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन। मैं कल हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर में समस्त जनपद के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उन सभी से मैं एक आह्वान भी करता हूं कि हमारा जो 3 मार्च को यहां मतदान होना है गोरखपुर जनपद का, उसमें सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि हमारा मतदान का प्रतिशत 70% से ऊपर रहे। मेरी तरफ से सभी जनपदवासियों को एवं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और हम लोग ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं सभी देशवासियों और जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ हों और कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही ठंड बढ़ रही है तो बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, और इसी के साथ मैं सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त नागरिकों को, बंधु बांधवों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों ने जिस सपने के साथ इस आज़ादी को हासिल किया है, उस सपना हासिल करने में हम अपना कुछ योगदान कर सकें, करें, यही सच्चा गणतंत्र होगा। इस नाते मेरी सबको शुभकामनाएं हैं कि सभी उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहें और अपना योगदान दें। मैं उपजिलाधिकारी सदर और शहर रिटर्निंग ऑफिसर कुलदीप मीणा, जनपद के सभी नागरिकों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी इस पर्व को, त्यौहार को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाएं और देश में अपना योगदान करें। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ADM फाइनेंस और डिप्टी DU गोरखपुर हूं। इस बार की गणतंत्र दिवस बहुत अच्छी बात है कि निर्वाचन के बीच में हो रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि अब की बार अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपने गणतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद। ये जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, 73वां गणतंत्र दिवस है, और मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर पुलिस की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल पुलिस लाइंस में परेड है और उसमें DM सर की अध्यक्षता में होगा, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि बढ़िया परेड होगी और सब लोग इस त्यौहार को, इस राष्ट्रीय त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। गणतंत्र दिवस पे सारे नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नेशनल वोटर डे भी है, और आने वाले समय में मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जो अपने वोट मताधिकार का जो प्रयोग है जरूर करें, और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है गोरखपुर का उसको बढ़ाएं, और जिला प्रशासन का प्रयास है कि इस बार कम से कम 10% वोटिंग परसेंटेज बढ़े। कल गणतंत्र दिवस है, हम सबके लिए है बहुत ही ये शुभ अवसर है, पवित्र पावन अवसर है। मैं सभी जनपद के सम्मानित नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक और बार हम लोग
लोग संकल्पित हों कि हमारे देश को और अखंड और मजबूत और हमारे संविधानी ढांचे को और सुदृढ़ बनाएंगे। और उसका सबसे पहला और अहम कदम है कि हम अपने जनपद को मतदान प्रतिशत में अग्रणी बनाते हुए और संविधानी ढांचे को मजबूत बनाएं।